उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों को लेकर सरकार जो है वो हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। पहले सूबे के डिप्टी सीएम और अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को डेंगू समेत तमाम संचारी रोगों को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ समेत तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दवाओं का भी पूरा इंतजाम सुनिश्चित हो, बीमार मरीज को समय से समुचित इलाज मिलना चाहिए, इसके लिए पहले से तैयारी की जाए तो रोगों से लड़ने में आसानी होगी। सीएम ने बैठक में नियमित सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पहले डिप्टी सीएम उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रदेश की व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट में नजर आ रहे, तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे। इसके साथ ही दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं कि जो व्यवस्था है उसे और मजबूत किया जाए, आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके साथ ही डेंगू को लेकर कहा गया है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे मजबूत की जाए, अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड्स लगवाए जाए, तमाम डेंगू स्पेशलाइज्ड वार्ड्स तैयार करवाए जाए, मरीजों को जो भी दवाइयां चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फैज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, डेंगू का जब पहला मामला आया था उससे लेकर अब तक खुद डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों हाई अलर्ट नजर आ रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, बैक टू बैक डेंगू के आंकड़ों पर नजर रखा जा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रखी जा रही है। फिलहाल जब मुख्यमंत्री खुद हाई अलर्ट पर आ चुके हैं, क्या कुछ अभी मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है पहले के मुकाबले? डेंगू को लेकर जिस तरह से प्रभावी कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बिल्कुल निर्देश उन्होंने दिया है। लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों में 52 मरीज सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती है। देखिए, दावे और बातों में बड़ा फर्क होता है, दावे बहुत किए जा सकते हैं लेकिन डेंगू पर जो प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है वो शायद जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। अगर हम यही बात करें, जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं वहाँ एंटी लार्वा और फॉगिंग की छिड़काव हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर प्रभावी ढंग से पूरी तरीके से डेंगू और एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग के छिड़काव होने की आवश्यकता है और उसमें सतर्कता बरतने की आम लोगों की जरूरत है। जहाँ पर गंदगी है उसको भी साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की है। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि तमाम डेंगू वार्ड बनाए जाएं, तमाम तरह के इंतजाम किए जाएं, बाराबंकी जिले में डेंगू के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, यहां तक कि जो डेंगू जो अस्पतालों में भर्ती है वो वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुका है और डेंगू के मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कई तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही है, जो वादे और दावे और वादे। बिल्कुल बिल्कुल फैज, आपने बाराबंकी का जिक्र किया तो जो जानकारी हमारे पास बाराबंकी को लेकर आ रही है, वहां पे जो डेंगू से जिस शख्स की मौत हुई है वो खुद सभासद का पति भी बताया जा रहा है। सभासद के पति समेत 2 लोगों की और मौत हुई जी है। जी 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 जी, सुल्तानपुर में 1 माह के अंदर, देखिए सुल्तानपुर में 1 महीने के अंदर 9 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू के। तो ये जो भयावह रूप है डेंगू का, इसमें जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में एक इसको मुहिम की तरह चलाना पड़ेगा राहुल, हर एक एक आदमी को जागरूक करने की आवश्यकता होगी, साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और सिर्फ ना ही सरकारी महकमे की इसमें सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है, तमाम उन लोगों को कोशिश करना पड़ेगा जो लोग केवल डेंगू डेंगू कहकर डरने की जरूरत नहीं बल्कि डेंगू से बचने के लिए उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे। जहां पानी के जल जमाव उसको खुद से भी करना पड़ेगा, सरकार के पास यानी अगर नगर आयुक्त तक इंफॉर्मेशन पहुंची है नगर आयुक्त उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पे लापरवाही बरती जाएगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की। फैज, जब आप लापरवाही की बात कर रहे हैं और अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो अभी आपने सुना होगा कि इससे पहले हम बस्ती को लेकर खास रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां से जो जानकारी सामने आई है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। जो सीएमओ है उनके पास ये तक जानकारी नहीं है कि उनके जिले में, उनके जनपद में किसी की मौत हुई है,
बताया जा रहा है कि पहली जो मौत हुई थी उसकी जानकारी उन्हें अखबारों के जरिए मिलती है, और जो दूसरी मौत होती है उसको लेकर वो हमारे सहयोगी धर्मेंद्र से उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं मरीज की। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो जिम्मेदार है वो कितने जिम्मेदार बनकर बैठे हुए हैं, किस जिम्मेदारी के साथ वो जिम्मेदार काम कर रहे हैं। सरकार उन्हीं जिम्मेदारों के भरोसे योजनाएं लेकर आती है और इन जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए, उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके जनपद में क्या स्थिति है। बिल्कुल राहुल, देखिए ऐसे में मुख्यमंत्री आदेश जरूर दे रहे हैं, मंत्री आदेश जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो सीएमओ हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको आपने जैसा बताया कि अभी तक उनके पास उनकी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से कितने लोगों की मौत हुई है, क्या उनके जिले की स्थिति है। तो ये बड़ी चिंता की विषय है। सीएमओ को, तमाम अधिकारी को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस बात की पूरा रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्या कुछ अब क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं तमाम। ये जमीनी स्तर पर जब तक राहुल काम नहीं होगा तब तक इससे बचा नहीं जा सकता राहुल। बिल्कुल बिल्कुल फैस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनता अलर्ट भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे ये पूरी व्यवस्था है उन्हें मजबूत होने की जरूरत है, उन्हें जिम्मेदार होने की जरूरत है। शुक्रिया फैस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री समेत जो पूरा सरकारी अमला है वो हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, पूरी तरीके से तैयारियां मजबूत रखी जा रही हैं, लेकिन बीच में जो ये अधिकारी बैठे हुए, गैर जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो यकीनन जो स्थिति है वो भयावह करके ही मानेंगे। ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं।